told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your वन हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कबाब जीज पिज्ज़ा पे और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार एम्बियंस है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। और अच्छा इस वक्त आगे पीछे कोई इतना है भी नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हमें लग रही थी भाई बहुत ज़बरदस्त वाली भूख, सो हमने कहा लेट्स ट्राई कबाब जीज पिज्ज़ा, क्योंकि हमने इसके जितने भी खाने हैं वो सब ट्राई किए हुए हैं। और आप लोग तो देखते हो दो दरिया वाले, मतलब ऐसा लगता है कि वो तो हमारा ना ऐसा हो गया है कि उसके बिना तो हमारा कुछ चलता ही नहीं है। हर वक्त हमें वहीं पर ही सिर्फ जाना होता है खाना खाने। कबाब जीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वेल सो हम लोग आए हैं पिज्ज़ा टेस्ट करने के लिए। अब हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पर फाइनली हमारा फूड आ चुका है। सो हमारे साथ कौन है आज, अरसला। सो भाई अरसला को भी हम ले आए, हमने कहा चलो आओ आपको ट्रीट देते हैं, पिज्ज़ा विज्ज़ा खिलाते हैं। तो ये तो अपने सैलेड पर ही सबसे पहले जो है वो स्टार्ट हो गई है। कैसा है सैलेड, ज़बरदस्त है, फ्रेश है, एकदम फ्रेश। और ये देखिए भाई सैलेड तो फ्रेश ही अच्छा लग रहा है। सो ये सारा है हमारा ऑर्डर और अब हम इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। सैलेड बहुत फ्रेश है, बाकी सारा आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एंड डिड यू रिमेंबर, यस बिल्कुल, डिड यू रिमेंबर ट्विस्ट नान, बिल्कुल ट्विस्ट नान हम लोग पहले खा चुके हैं दो चार जगह का। कुछ कहना चाहूंगी जी, ट्विस्ट नान डिड यू रिमेंबर। सो अब हम यहाँ का ट्राई करने वाले हैं, लेट्स सी, चलो लेट्स ट्राई दिस। Guys, so it's a review time. Let's try this fajita flavor and it's full of cheesy और बहुत ही ज़्यादा loaded था, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से, you know, काफ़ी अरसे बाद में इतने अच्छा पिज्ज़ा खा रही थी। आप सब जानते हो यार कि हम सब लोगों को तकरीबन पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है, और जब हमारे घर पर कुछ इस तरह का खाना होता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता तो हम बोलते हैं यार चलो लेट्स ऑर्डर पिज्ज़ा। सो आप लोग आराम से ना कबाब जी से ऑर्डर कर सकते हो, मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज यू नो मैं आप लोगों को हमेशा 100% ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने दोबारा से सैलेड ट्राई की, बिकॉज सैलेड यार बहुत मज़े की थी तो मैं ट्राई किए जा रही थी। सैलेड के साथ साथ हमने यहाँ का इनका सिग्नेचर था जो ट्विस्टेड था, उसके अंदर चीज़, उसके अंदर चिकन और ये सारी चीज़ें लोडेड थी, तो वो हमने ट्राई किया। एंड देन उसके बाद बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें और हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं कबाब चीज़ का पिज्ज़ा। एंड पिज्ज़ा के साथ साथ हमने क्या क्या मंगवाया ज़रा आप बताएं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमने सिग्नेचर पिज्ज़ा मंगवाया, सिग्नेचर, ओके, दिस इज गार्लिक ब्रेड विद चीज, ठीक है, दिस इज चीज पेपरोनी पिज़्ज़ा, ओके, दिस इज हॉट विंग्स, ओके, सैलेड, सैलेड एंड फजीता की रिपोर्ट हो गई है ना भाई काशी। मज़ा आया आपको, कैसी रही मेरी ट्रीट? ओके जी, सो यहाँ मैं इनका भी फीडबैक ले रही थी तो इन्होंने बोला यार बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही मज़ा आया, हैड एन अमेजिंग अमेजिंग डिनर। सो यहाँ पर भाई मेरा दिल नहीं भर रहा था तो मैं कुछ और भी ट्राई कर रही थी, और इनका ये सिग्नेचर वाला है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, एंड दैट वॉज अमेजिंग, और बहुत ही मज़ा आया, हमने खूब अच्छे से खाया पिया। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग, मतलब थोड़ा सा 15 days हो गए थे अरसला शूट में बिज़ी थी और हम मिल नहीं पा रहे थे, तो फाइनली हमारा मीटअप हुआ, इतना अच्छा सा डिनर हो गया, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया है। और यकीन करें काफ़ी अच्छा फीलिंग था, इतना सारा बच भी गया था, हमने कभी पार्सल करा लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड गाइस, सो फाइनली हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारी हालत हुई है भाई, और टेस्टी इतना है और इतना ज़्यादा हैवी था
कि भाई पेट शेट हमारा इसी में ही भर चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं है ना क्या हाल किया है हमने खा पी के, बड़ा मज़ा आया यार, इन्जॉय किया हमने। सो अगर आपको भी इन्जॉय करना है तो आप लोग भी यहाँ का विज़िट कर सकते हैं, है ना, कबाब जीज पिज्ज़ा। ओके सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।